वही चंडीगढ़ में राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें राज्यपाल को लिखित में देना चाहिए कि उनके पास कितने विधायक हैं, लेकिन इस तरह गुमराह ना करें। हमने हाल ही में विश्वास मत जीता है, समय आने पर हम इसे फिर से जीतेंगे। वे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनको कोई किसी से सरोकार नहीं है, वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देना चाहिए लिखित रूप में राज्यपाल महोदय को कि उनके पास कितने विधायक हैं, वो लिखित रूप में दें। ऐसे गुमराह मत करें। अभी हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा हम विश्वास मत हासिल करेंगे कि ये लोग लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनके समय में, कांग्रेस के समय में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लोगों को इन्होंने लाइन में लगा करके रखा है और इनकी सोच रहती है कि लोगों का ध्यान इनके घोटालों की तरफ ना जाए, लोगों का ध्यान इनके भ्रष्टाचार की तरफ ना जाए, लोगों को जो प्रताड़ित किया है उससे ध्यान डाइवर्ट करने की इनकी ये सोच रहती है और उसी को लेकर के इस प्रकार का रूमर इन्होंने फैलाने का काम किया।